घरों में कुत्ते पालने के शौकीन लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इंटरनेशनल डॉग डे पर हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जो 200 से अधिक स्ट्रीट डॉग्स को न सिर्फ पालती है बल्कि उन्हें नया जीवन भी दे रही है। हरिद्वार की कवलजीत कौर सरायगांव में हेल्पिंग हैंड नाम का एक एनजीओ चलाती हैं, जिसका उद्देश्य सड़कों पर बीमार और घायल हालत में पड़े रहने वाले कुत्तों का इलाज करना और उन्हें आसरा देना है। मौजूदा समय में कवलजीत के शेल्टर होम में करीब 200 कुत्ते मौजूद हैं। इन सब की देखरेख के लिए कवलजीत ने अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ा है। पैरालाइज होते हैं, इंजर्ड होते हैं, यही कोशिश करते हैं कि सभी को ट्रीटमेंट मिल सके, लेकिन अभी अकेली हूँ तो इतना तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना आता उतना कर रही हूँ। सेल्फ फंडिंग करनी पड़ती है, ऐसे कोई मतलब पर्टिकुलर फंडिंग नहीं है, खुद ही फंडिंग करनी होती है इंस्टाग्राम के थ्रू। यहाँ पर 200+ डॉग्स हैं अभी फिलहाल हम लोगों के पास। पिछले करीब 5 सालों से बेजुबानों की सेवा कर रही कमलजीत को कोई सरकारी मदद तो नहीं मिलती, लेकिन मासूम जानवरों की सेवा के लिए उनका जज्बा और समर्पण देकर कुछ पशु प्रेमी उनकी मदद जरूर करते हैं। लोग मानते हैं कि सरकार और प्रशासन को भी ऐसी संस्था को सहारा देना चाहिए। अभी हमें एक निराश्रित डॉग की सूचना मिली थी भिंगोडे से, जिसको हम लेके आए यहाँ पर, और लगभग 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज वो स्वस्थ हो गया है और आज हम उसे अपने साथ ले जा रहे हैं वही जहाँ जिस गली से हम लेके आए थे उसको वहाँ पे पुनः छोड़ने के लिए। सभी पालतू पशुओं में कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। 26 अगस्त के दिन हर साल इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। आज डॉग डे के दिन अन्य पशु प्रेमियों को भी कवलजीत से प्रेरणा लेकर बेजुबानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।